हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम EVS में अपना लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों का पलायन होना। इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि जो गांव में जो फैमिलीज होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो किस तरह पैसे कमाने के लिए या फिर अच्छी एजुकेशन के लिए गांव से वो शहरों की ओर जा रहे हैं। तो जो चैप्टर है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सम फैमिलीज कंटिन्यू टू लिव इन वन प्लेस फॉर मैनी जनरेशंस, बट सम फैमिलीज शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर मे बी सर्टेन रीजन्स फॉर दैट। वन सच फैमिली इज मेलाराम्स फैमिली। दे लिव्ड इन विलेज एंड प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, बट दे वर इन बिग ट्रबल ड्यू टू अ ड्राउट इन देयर विलेज फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। कुछ परिवार जो है वो एक ही स्थान पर कई पीढ़ियों से लगातार रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार जो है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं। इसके कुछ निश्चित कारण होते हैं और ऐसी एक फैमिली का उदाहरण है मालाराम की फैमिली। वह एक गांव में रहते हैं और खेती करते हैं, लेकिन एक बार उनके गांव में लगातार 3 सालों तक सूखा रहा, यानी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। लास्ट 2 ईयर्स हैव बीन रियली बैड एज दे डिड नॉट even have sufficient food to eat and faced starvation due to famine. पिछले 2 सालों से उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए पर्याप्त फूड नहीं मिल रहा था एंड वो भूखमरी का शिकार हो गए थे। That is why Mailaram migrated to his nephew's village with his family and cattle. There he arranged for a small accommodation on rent and began looking for some work. इसलिए मेलाराम जो है वो अपनी फैमिली को लेकर अपना जो नेफ्यू है उसके गांव में शिफ्ट हो गया, और वहां पर उसने रेंट पर एक छोटा सा अपना घर लिया और काम की तलाश करने लगा। आफ्टर अ फ्यू डेज ही गॉट वर्क देयर। ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज, बट इट वॉज नॉट ईजी एज ही मिस्ड हिज ऑन विलेज बैडली। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही गॉट news that there was very good rain in his village this year, so he shifted back to his own village with his family and cattle. कुछ दिनों के बाद उसको वहाँ पर एक कुछ काम मिल गया था और वो वहाँ उसने वहाँ पर रहना शुरू किया, लेकिन वह अपने गाँव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। कुछ महीनों के बाद उसे ये खबर मिली कि उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है, इसलिए वह अपनी फैमिली और अपने जो कैटल्स थे, कैटल जो थे यानी जो पशु थे, उनको लेकर वापस अपने गांव चला गया। अब एक और स्टोरी इसमें दी हुई है। राम सिंह हैड ए स्मॉल फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ हिज वाइफ, a son and a daughter. He worked
in the village on daily weeks. His son was studying in class 12th, while his daughter in class 9th. राम सिंह की एक छोटा परिवार था, जिसमें उसकी वाइफ, उसका बेटा और उसकी बेटी रहते थे, और वह गांव में डेली बेसिस पर काम करता था, यानी उसको दैनिक मजदूरी उसको मिलती थी। उसका जो बेटा था वो क्लास 12th में पढ़ रहा था, और उसकी बेटी जो है वो 9th क्लास में पढ़ रही थी। When his son passed his board examination, he had to send him to the city for higher studies. He would have to stay there alone for studies, and it would be more costly. After 3 years, he will have to send his daughter to out of village for higher education. So he decided that as he was working as a laborer on daily basis in the village and in the city too, he would do the same. So he shifted there with his family. There he faced difficulty in getting a house because of high rent. So he took only a room on rent in the city. जब उसकी बेटी ने बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया, तब उसे अपने बेटे को हायर स्टडीज के लिए शहर भेजना पड़ा। उसका बेटा जो है वहाँ पर अकेला रहता था शहर में, और यह जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा था। 3 सालों के बाद उसकी जो बेटी थी वो भी हायर एजुकेशन के लिए उसको भी शहर भेजा गया, और इसके लिए राम सिंह ने ये तय किया कि जिस तरह वो अपने गांव में मजदूरी करता है, उसी तरह शहर में भी वो दैनिक मजदूरी करेगा। इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ शहर में शिफ्ट हो गया, लेकिन उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो हाउस का रेंट था वो बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए उसने केवल एक ही रूम लिया किराए पर, और वहाँ पर ही पूरी फैमिली जो है वो रहने लगी। हिज फैमिली लिव्ड, स्लेप्ट एंड कुक इन द सेम रूम। हिज नेबरहुड वाज आल्सो न्यू फॉर हिम। ही हैड टू पुट इन मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स आल्सो। सिटी बीइंग कॉस्टलियर, ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड एट नाइट। He decided to go back to his village after the completion of education of his children. उसकी फैमिली जो है वो एक ही रूम में खाना बनाते थे, उसमें ही रहते थे और उसी में सोते थे। उसके जो पड़ोसी थे वो भी उसके लिए नए थे, और उसे अपनी रोज की जो ज़रूरतें हैं, यानी जो खाना पीना वगैरह है, उसके लिए उसे बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े, और शहर जो था उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा था। इसलिए वो दिन में मजदूरी करता था, और रात में वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। उसने डिसाइड किया कि उसकी जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पूरी होने के बाद वो अपने गांव वापस चला जाएगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर सराउंडिंग्स दैट सम चिल्ड्रन लीव देयर होम्स फॉर हायर एजुकेशन। दे लिव इन ए हॉस्टल और गेट ए रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडीज एट अदर प्लेस। आपने अपने चारों तरफ या कहीं देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन के लिए अपना घर जो है वो छोड़ देते हैं, और दूसरी जगह पर, या तो हॉस्टल में या फिर उन्हें
रेंट पर रूम लेकर वहाँ पर रहना पड़ता है। फिर नीचे है डू यू नो, इसमें लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं। मैनी अ टाइम्स पीपल हैव ट्रांसफरेबल जॉब्स एंड सो देयर फैमिलीज शिफ्ट विथ देम। समटाइम्स पीपल माइग्रेट टू अ डिफरेंट टाउन और कंट्री। पीपल हु मूव आउट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री टू लिव एल्सवेयर परमानेंटली आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। पीपल हु मूव इनटू अ पर्टिकुलर कंट्री टू लिव देयर आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। समटाइम्स दे आर डिस्प्लेस्ड और फोर्स्ड टू मूव ड्यू टू रीजन्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, यानी उनका ट्रांसफ़र जो है वो एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। इस कारण उनकी जो फैमिलीज है उनको भी उनके साथ शिफ्ट होना पड़ता है। कभी कभी जो लोग हैं वो किसी डिफरेंट टाउन में या दूसरी कंट्री में उनको माइग्रेट होना पड़ता है, जाना पड़ता है। वे लोग जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में रहने के लिए, परमानेंटली रहने के लिए जाते हैं, तो उनको बोला जाता है एमिग्रेंट्स। और जो लोग किसी कंट्री से एक पर्टिकुलर कंट्री में रहने आते हैं परमानेंटली, तो उनको बोला जाता है इमिग्रेंट्स। कभी कभी वो डिसप्लेस्ड होते हैं, यानी उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, और कभी कभी उनको फोर्सफुली जो है वहाँ से हटा दिया जाता है और उनकी वहाँ पर कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि दो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। एमिग्रेंट्स क्या होते हैं, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं। एमिग्रेंट उन लोगों को कहा जाता है कि जो कि किसी दूसरे कंट्री में रहने के लिए जाते हैं, तो वो एमिग्रेंट होते हैं। और वे लोग जो किसी अपने कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में आते हैं, तो वो इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।